हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हिमांशु, कॉर्पोरेट ट्रेनर, सिविल गुरुजी, दिल्ली ब्रांच। क्या होता है इन्वर्टेड लेवलिंग? इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो जैसे आप जनरली लेवलिंग करते हो, उसका जस्ट उल्टा अगर आप लेवलिंग करने लगे तो क्या कहलाएगा? वो इन्वर्टेड लेवलिंग। आज हम किसी चीज़ का लेवल निकालना चाहते हैं, वो हमारा जो चीज़ है वहाँ पे बिल्कुल आपके सामने देख सकते हो आप, ये है हमारा लाइट पोल। इस लाइट पोल का हमको हाइट निकालना है और ये बिल्कुल भी लेवलिंग स्टाफ से बड़ा है। मैंने इसको चेक किया हुआ स्टाफ से निकालेंगे इसका टॉप पॉइंट की हाइट, वो आज हम करने वाले हैं इन्वर्टेड लेवलिंग से। इस ग्राउंड से उसकी हाइट निकालने वाले हैं। तो जहाँ से आपको हाइट निकालनी है उसको क्या मानेंगे अपन? बैक साइड। ठीक है, तो मतलब सॉरी, जिसकी भी जहाँ से हमको हाइट निकालनी है वहाँ पे हम पहला रीडिंग लेंगे। जहाँ से हमको हाइट निकालनी है वहाँ पे हम क्या लेंगे? रीडिंग लेंगे। ठीक है, वहीं पे हम बैक साइड लेंगे। अंडरस्टूड है? अगर आपको ग्राउंड से निकालना है तो पहले आपको कहाँ पर रीडिंग लेनी पड़ेगी? ग्राउंड की, फिर आपको वहाँ रीडिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जहाँ पे आप रीडिंग लेने वाले हो उसका RL 200 में क्या ले लेते हैं? उसका RL 200 मीटर। उसका RL क्या ले लेते हैं? 200 मीटर। तो ग्राउंड का RL ले लेते हैं 200 मीटर। अब हम निकालेंगे उसके रिस्पेक्ट में इसकी हाइट कितनी है। तो एक इंजीनियर चले जाइए, क्या करने वाले हैं? ग्राउंड से निकालने वाले इसकी हाइट। हमने ग्राउंड का RL कितना मान लिया? 200 मीटर। तो अभी हमारा इंजीनियर कहाँ खड़ा है? उसी ग्राउंड पे जिसकी RL हमको पता है कि 200 मीटर है। और हम इसका बैक साइड ले लेते हैं। इसका जो बैक साइड है वो आ रहा है 1.53। लिख लिया आपने RL, पता चल गया अपन को, मतलब बैक साइड पता चल गया और हमको RL पहले से पता है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? फॉर्मूला ऐड कर देंगे, बिल्कुल। RL प्लस बैक साइड ऐड करिए, कितना आ जाएगा? 200 का ऐसे था 201.53। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो गया? 201.53। अब इसी चीज को उल्टा लगाना, आप इंस्ट्रूमेंट को उल्टा कर दीजिए। फोर साइड रीडिंग कितनी आई? 4.6। 4.6 की जो रीडिंग है इसको हम माइनस में लेंगे। क्यों लेंगे माइनस में? क्यों लेंगे माइनस में फोर साइड की रीडिंग? क्योंकि हमने उल्टा लिया है उसकी रीडिंग, इन्वर्टेड लिया है, उस रीडिंग क्या लेंगे? माइनस में। अब कैलकुलेशन देखिए, तो देखो फोर कितने आ गए? 4.6। तो हमको क्या निकालना है? उसका RL निकालना है। उसका क्या निकालना है? RL। तो RL इज इक्वल टू क्या हो जाता है? HI माइनस FS, यही होता है ना? HI माइनस FS, ये होता है फॉर्मूला ना? HI कितना है आपका? 201.53 माइनस 4.6 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 205। तो ये हो गया और 206.13 हमको इसका RL निकल के। अब इसकी हाइट कितनी है कैसे निकालेंगे? तो हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका न्यू RL माइनस ओल्ड RL, हाइट होगी 6.13 में से माइनस कर दो कितना? 200, कितना हो जाएगा? 6.13 मीटर। ठीक है, तो अपन ने इसका हाइट निकाल लिया। क्या आसान था? क्या यस सर।